आज के टाइम पे करीब नेटफ्लिक्स की नेटवर्थ है करीब 200 बिलियन डॉलर। यहाँ पर नेटफ्लिक्स यूजर्स करीब एक वीक में 1 बिलियन आवर्स स्पेंड करते हैं नेटफ्लिक्स के कंटेंट को देखने के लिए। आज के टाइम में नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जायंट है। बट इतने बड़े जायंट बनने की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थे एंटरटेनमेंट के लिए। एक तरफ टीवी जहाँ पे हमें बहुत ही लिमिटेड चैनल्स प्रोवाइड किए जाते थे, दूसरा ऑप्शन था हमारे पास डीवीडीज जहाँ पे हम नई मूवीज देख सकते थे। बट आज के टाइम पे हम सिर्फ एक ही क्लिक कर हमारा फेवरेट टीवी शो मूवी देख सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स स्टार्ट होता है करीब 1998 में करीब 30 एम्प्लॉइज के साथ, और उस टाइम ये कंपनी डीवीडीज को रेंट में देने का काम किया करती थी। इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट जाता है रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ को। बट ये आइडिया आया कहां से? तो इसके पीछे की भी एक अच्छी खासी स्टोरी है। होता यह है कि जो रीड है एक वीडियो स्टोर से अपोलो 13 की कैसेट लेते हैं रेंट पर, और जो टाइम पीरियड था वो था 1997 का। उस टाइम लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। अगर उस टाइम आपको कोई मूवी देखना है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता था थिएटर, और सेकंड ऑप्शन रहता था डीवीडी। तो आगे होता यह है कि रीड ने जो डीवीडी ली थी उसको वो टाइम पे लौटा नहीं पाते, और करीब 6 हफ्तों के बाद वो वापस उस वीडियो स्टोर में पहुंचते हैं कैसेट को वापस करने के लिए। यहाँ पे करीब उनको $40 की लेट फीस भरनी पड़ती है। लिटरली यहाँ पे उनको फील होता है कि ये क्या चुतिया पता। तो उनको नेटफ्लिक्स का जो आइडिया आता है ना वो जिम करने के दौरान आता है, जहां पर वो सोचते हैं कि जिम का सब्सक्रिप्शन मॉडल कितना सही है यार। आपको मंथ में करीब एक बार मेंबरशिप लेनी होती है जिसके बाद आप जितना चाहे उतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद उनके दिमाग में क्यों ना इस सब्सक्रिप्शन मॉडल को डीवीडीज के वर्ल्ड में अप्लाई किया जाए। और ये जो आइडिया था उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस किया, उनका नाम था मार्क रैंडोल्फ। उस टाइम अमेज़न में धीरे-धीरे ग्रो करती जा रही थी, और मार्क उस टाइम अमेज़न से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो यहाँ पे रीड और मार्क दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं नेटफ्लिक्स करीब 1998 में, जहाँ पर ये कंपनी काम करती है डीवीडीज और सीडीज को रेंट में देने का। और नेटफ्लिक्स पहली उस टाइम की एक लौती कंपनी थी जो डीवीडीज और सीडीज को रेंट में दिया करती थी। और नेटफ्लिक्स है उसका नाम दिया था मार्क रैंडोल्फ में, जो कि बना है नेट और फ्लिक्स वर्ड से मिलकर, जहां पर नेट का मतलब होता है इंटरनेट और फ्लिक्स का मतलब होता है मूवी। जब कंपनी को स्टार्ट किया गया तो उनके पास करीब 925 डीवीडीज थी और करीब 30 एम्प्लॉइज। यहां पर जब नेटफ्लिक्स कंपनी स्टार्ट हुई तो वो पुराने ही मॉडल्स पर काम कर रही थी जो था डीवीडीज और सीडीज को रेंट पर देना। बट 1999 तक आते आते उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट किया, जहां पर आप सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन फीस देने के बाद जितनी चाहे उतनी मूवीज देख सकते हैं। बट यहां पे लोगों को क्या फायदा हुआ? इससे लोगों को ये फायदा होता है कि अब उन लोगों को सोचना नहीं पड़ रहा था ड्यू डेट्स के बारे में, शिपिंग चार्जेस के बारे में और लेट फी के बारे में। और जो नई सर्विस आई थी नेटफ्लिक्स की, इससे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए। और इसका असर ये हुआ कि करीब 2 सालों में उनके पास 3 लाख करीब सब्सक्राइबर्स थे। और 2002 तक आते आते नेटफ्लिक्स के शेयर्स को पब्लिक किया जाता है, जहां पर करीब पर शेयर की कीमत थी $15, और आज के टाइम पे इसकी कीमत करीब 100 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहां पे 2004 तक मार्क रैंडोल्फ इस कंपनी से रिटायरमेंट लेते हैं, और फिर इस कंपनी का पूरा कंट्रोल हो जाता है रीड के पास। 2005 तक आते आते कंपनी पास करीब 35,000 मूवीज का कलेक्शन था, और ये जान के आपको थोड़ी हैरानी हुई, करीब कंपनी एक दिन में 1 मिलियन डीवीडीज को शिप कर रही थी, जो भी शो करता है एक कंपनी का फेम। तो धीरे धीरे करके इंटरनेट का चलन पूरी दुनिया में बढ़ता गया, और जो भी इस बिजनेस में थी उनको अच्छे से पता था कि आने वाला टाइम ऑनलाइन इंडस्ट्री का है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑनलाइन सर्विस को स्टार्ट किया, जहां पर नेटफ्लिक्स करीब 2007 के बाद वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगी। और जैसे ही डे बाय डे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज धीरे धीरे बढ़ती गई, इंटरनेट जब बूम पर आया तो नेटफ्लिक्स भी बूम पर आया। 2018 में नेटफ्लिक्स ने करीब $12 बिलियन स्पेंड किया था स्ट्रीमिंग कंटेंट के लिए, और आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स की नेटवर्थ है करीब $272 बिलियन। और आज के टाइम पे जो नेटफ्लिक्स की पहुंच है वो पूरे वर्ल्ड में है, और आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स फेमस है अपने ओरिजिनल कंटेंट के लिए जो आपको लगभग हर दिन प्रोवाइड करता है। तो ये थी नेटफ्लिक्स की सक्सेस स्टोरी। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।